हेलो वेलकम मिस्टर चंद्रा. वेलकम मैम. आप लोग अगर इस एग्जीबिशन में नहीं आते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. भला क्यों नहीं आते मिस्टर विमल? इनफैक्ट हर साल हमें आपके पेंटिंग एग्जीबिशन का इंतजार रहता है. थैंक यू सो मच. प्लीज चलो. सुमित बहुत लोग आए. मुझे तो लगता है कि इस साल भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा पिछले साल मिला. वाओ नीलेश, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है. आज मैं इनमें से एक पेंटिंग जरूर खरीदूंगी. हाँ क्यों नहीं. वाओ क्या हो गया, रुक क्यों गई? नीलेश ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, देखो इसे. अदिति ये पेंटिंग तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई फ्रेंकली स्पीकिंग. वही तो मुझे पसंद है. This is too good. निलेश, ये पेंटिंग मुझे जरूर चाहिए. इसको बुक कर दो, इससे पहले कोई और ले ले. ओके बाबा ओके. आओ सुमित और विमल से बात करते इस बारे में. आओ. अरे इसे पोज देता हूँ जल्दी. ये तो ऑयल पेंट नहीं है. ऑयल पेंट होता तो निकलता नहीं. ओह माय गॉड, तुमने ये पेंटिंग खराब कर दी. ये कौन है? एक्चुअली मेरा पैर फिसल गया था और इसी वजह से मेरी कोल्ड ड्रिंक इस पेंटिंग पर गिर गई थी. लेकिन देखिए आप यहाँ पर खून है. खून? तुमने पेंटिंग खराब कर दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो. अरे मैं सच कह रहा हूँ, विश्वास कीजिए आप मेरा. ऐसा कीजिए आप खुद देख लीजिए. यहाँ देखिए, ये यहाँ पर. हाँ सुमित ये ठीक कह रहा है, ये तो वाकई खून है. लेकिन पेंटिंग पे खून कहाँ से आया? मुझे तो समझ नहीं आ रहा. हमें CID को फौरन बुलाना पड़ेगा. सुमित. जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था. सर यही वो पेंटिंग जिस पर हमें खून मिला. अच्छा ये है वो पेंटिंग. जी सर. ये क्या है? पेंटिंग तो गीली है. सर इस पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी इसलिए गीली हो गई. कोल्ड ड्रिंक? कैसे हुआ ये सब? सबसे पहले किसको पता चला कि पेंटिंग पर खून है? सर मैंने देखा था. एक्चुअली मेरे हाथ से ही कोल्ड ड्रिंक पेंटिंग पर गिर गई थी. मैं हड़बड़ाहट में इसे साफ करने गया तो पता चला कि ऑयल पेंट नहीं खून है. सुमित ये पेंटिंग का एग्जीबिशन तुमने ऑर्गेनाइज किया? सर हम दोनों ने. ये विमल है मेरे बिजनेस पार्टनर. हर साल हम लोग ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं. कितने सालों से बिजनेस का पार्टनरशिप है आपकी? सर 3 साल की. 3 साल की बिजनेस पार्टनरशिप है. अच्छा सर बाकी सारे पेंटिंग्स पर पेंटर का नाम और उस पेंटिंग का दाम भी लिखा है पर इस पेंटिंग पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में डिस्प्ले करने से पहले आपने अच्छी तरह से जांच नहीं की? क्यों जांच नहीं की? क्यों नहीं की जांच? जब इतने बड़े एग्जीबिशन में सेलिब्रिटीज आने वाले थे, VIPs आने वाले थे, हैं? इतनी लापरवाही? सर, हमने खुद एक-एक पेंटिंग चेक की थी. यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स लगी हैं, उन आर्टिस्ट की लिस्ट है हमारे पास. हाँ सर, हमने 40 पेंटिंग्स मंगवाई थी और सारी पेंटिंग्स अच्छे से जांच परख करने के बाद ही मेरे स्टाफ ने गोडाउन में रखी थी. हाँ लेकिन ये वाली जो पेंटिंग है ये उसमें नहीं थी सर. रजत जरूर पेंटिंग की अदला बदली हुई है. अदला बदली जरूर हुई है. सर हो सकता है इनके चेक करने के बाद जब इन्होंने गोडाउन भिजवाया पेंटिंग्स को तो गोडाउन में किसी ने पेंटिंग बदल दी. हो सकता है. गोडाउन चेक करो. देखो अगर 40 पेंटिंग्स यहां पर है
तो 41वां पेंटिंग गोडाउन में ही होना चाहिए। शायद उसी पेंटिंग के जगह पर ये खून वाली पेंटिंग लगाई है। पूर्वी, तुम भी जाओ। सर, वैसे तो मैं आर्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मगर ये पेंटिंग देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये पेंटिंग है? हाँ फ्रेडी, ये पेंटिंग ही है। इस पेंटिंग को गौर से देखो। ये पेंटिंग बनाने में आर्टिस्ट ने अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए हैं, अलग अलग तरीके से पेंट किया है। ये देखो, यहां लगता है कि पेंट छिड़का है, तो यहां देखो, यहां लगता है कि पेंट ऐसे फेंका है। ब्रश के स्ट्रोक्स भी हैं। इसे देखकर लगता है कि आर्टिस्ट का दिमाग अस्थिर था, अनस्टेबल। ये देखो, ये बच्चे का चेहरा, रोता हुआ बच्चा। इसका एक ही मतलब निकलता है फ्रेडी, जरूर इस आर्टिस्ट के बचपन में कोई बुरा हादसा हुआ होगा, जिसकी वजह से उसने खून से पेंटिंग बनाई, खून से। तुम्हारे यहां के पेंटिंग्स और पेंटर्स सबकी लिस्ट चाहिए। ओके सर। हाँ, हमने पूरा गोडाउन चेक किया। हाँ, कोई पेंटिंग नहीं मिली। कोई पेंटिंग नहीं मिली, मतलब हमारा शक सही निकला, असली पेंटिंग गायब है। आपके और आपके स्टाफ के अलावा और किसी ने हाथ लगाया था इस पेंटिंग को? सर, हम किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते। किसी को भी नहीं? जी नहीं। मेहमानों को भी नहीं? जी नहीं। काम करो, विमल और सुमित और उनके पूरे स्टाफ मेंबर्स सबके उंगलियों के निशान ले लो। उंगलियों के निशान? वो किस लिए सर? फ्रेडी, जिसने भी ये पेंटिंग यहां पर लगाई होगी उसकी उंगलियों के निशान तो आए ही होंगे इस पर, है ना? तो बस वो उंगलियों के निशान बाकी सारे लोगों के उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखेंगे, पता चल जाएगा। इसे फोरेंसिक लैब भेज दो। हाँ चलो, और जैसे ही कुछ पता चले हम आपको बता देंगे। ये किसकी फोटोग्राफ है? सर, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं। पंचगनी में एक एक्सीडेंट हुआ था, कार खाई में गिर गई और सब मारे गए। I'm sorry. देखा बाप, इसका मतलब वाकई ये पूरी की पूरी पेंटिंग खून से बनी हुई है, इंसान के खून से। क्या? इंसान के खून से? हाँ, पूरी पेंटिंग। मगर इतना सारा खून उसके पास आया कहां से होगा? वही तो, ऐसी पेंटिंग कोई शौक के लिए नहीं बनाता। एक और बात ऐसी पता लगी है बॉस, जिसे जानोगे तो आप सब लोग हैरान हो जाओगे। लेकिन क्या? ये जो पूरी पेंटिंग है, हाँ, ये जिस खून से बनी है वो किसी एक इंसान का खून नहीं। क्या? एक इंसान का नहीं? हाँ, हमने टेस्ट किया था, पता चला कि कम से कम 3 लोगों का खून मिला हुआ है इस पेंटिंग में। 3 लोगों का खून? हाँ बॉस, 3 अलग अलग ब्लड ग्रुप का खून है इस पेंटिंग में। माय गॉड। एक और बात यार, सुन के तू सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बताता? बताता, जो खून इस पेंटिंग में मिला है उन 3 खून में ड्रग थी। 3 के ब्लड सैंपल में ड्रग मिला? कौन सा ड्रग साउंड है? एक कंपाउंड है जिसे कैमोबेल कहते हैं। कैमोबेल? अब ये कैमोबेल क्या चीज है? ये कैमोबेल अगर दिन में 2 बार लिया जाए तो 24 घंटे तक भूख नहीं लगती। और इस कैमोबेल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जिन लोगों को कम से कम समय में अपना ज्यादा से ज्यादा वजन घटाना होता है वो लोग इस दवाई को लेते हैं, लेकिन ये दवाई आसानी से नहीं मिलती है।
बहुत ही गिने चुने मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलती है, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद। ऐसा क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि ये दवाई सेफ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए इसे खुलेआम बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर सर उन लोगों को ये ड्रग्स लेने की जरूरत क्या होगी? डॉक्टर साहब वाकई ये तीनों वजन घटाना चाहते थे या बात कुछ और ही है? बात कुछ और ही है दया। खून भरी पेंटिंग, समझ में नहीं आता क्या चल रहा था उस पेंटर के दिमाग में। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत अजीब लगती है। तो गौर से देखिए सर, चारों तरफ ये खून फैला हुआ है, किसी भी चीज को कोई ठोस आकार नहीं दिया गया। ये काम तो किसी नौसिखिया का ही लगता है। कहिए सर, आपको कौन से साइज का फ्रेम दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, हम लोग फ्रेम लेने नहीं आए, हम सीआईडी से। सीआईडी? बात क्या है सर? कोई खास बात नहीं है, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हम मिनी फ्रेम देखिए। तो फ्रेम आप ही की दुकान से खरीदा गया है ना सर? ये एक स्पेशल डिजाइन है, ये सिर्फ हमारे ही कारीगर बनाते हैं। वेरी गुड। अब ये बताइए कि ये फ्रेम किसने और कब खरीदा था? एक आदमी था सर, करीब 7 दिन पहले वो आया था, काफी जल्दी में भी था साहब। अच्छा, आप जानते हैं उसे? नहीं साहब, मैं पहचानता नहीं हूँ, वो पहली बार हमारी शॉप में आया था, कोई हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं था। तो फिर नाम याद है आपको उसका? नहीं साहब, नाम तो नहीं। हाँ देखिए, इतना याद है कि उसने इसी डिजाइन के 2 फ्रेम खरीदे थे। कुछ तो याद करने की कोशिश करिए, वो दिखता कैसा था, क्या कपड़े पहना था, उसका हुलिया कैसा था? इतना तो याद नहीं है सर, पर हाँ इस फ्रेम को खरीदने वाले कस्टमर का कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं चेक करता हूँ। हाँ प्लीज। ये मिल गया सर, ये उस फ्रेम के बिल की कॉपी है। रितेश, सिर्फ नाम लिखा, एड्रेस क्यों नहीं लिखा? साहब उसने कहा था कि फ्रेम तैयार हो जाने पर मैं उसको फोन कर दूं, वो खुद आकर यहाँ से फ्रेम ले जाएगा। तो फिर आपने उसका नंबर तो लिखा होगा ना कहीं पे? यहाँ साहब, उसी बिल के पीछे है ना। अच्छा, ये उसी का नंबर है? ये उसी का नंबर। थैंक यू। अब पता चल जाएगा ये रितेश है कौन, जो खून से पेंटिंग बना रहा है। सीआईडी? बोलो साहब, क्या चाहिए आपको? कैमोबेल? हमारी दुकान में ऐसी कोई दवाई नहीं मिलती साहब। ये कैमोबेल ड्रग का नाम सुनते ही आपके पसीने क्यों छूटने लगे? आप इतने हड़बड़ा क्यों गए? कौन घबरा रहा है साहब, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ सर। देख, सच बता दे वरना मेरी मदद कीजिए साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। ये सब नाटक क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, बात क्या है? सर किसी ने मुझे धमकी दी थी सर
कैमोबाइल का इंतजाम करने के लिए मुझे मजबूर किया गया था। मजबूर किया गया था? कैसी मजबूरी? उसने मुझे कहा था कि अगर मैं 2 दिन में कैमोबाइल का इंतजाम नहीं करूंगा तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा साहब। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं बहुत डर गया था। अच्छा, ये इस आदमी का हुलिया तो याद है ना तुम्हें? हा? नहीं बता सकता साहब, उसने मुझे सिर्फ फोन किया था। फोन नंबर है ना? मेरे मोबाइल में है सर, मैं अभी देख के बताता हूँ। सब इसी नंबर से उसने फोन किया था, यही नंबर है सर। फ्रेडी निकल, इस नंबर का पता लगाओ, ये नंबर है किसका। इस आदमी का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और एक बात, डर के जीने की जरूरत नहीं है, समझे? आइंदा ऐसा कोई फोन आए तो CID को इन्फॉर्म करना, ठीक है? लगता है कि अंदर कोई नहीं है। हमारे आने से पहले ही ये रितेश फरार हो गया लगता है। तोड़ दो दरवाजा। सर दरवाजा तो खुला हुआ है। अंदर चलो। घर का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है सर। हाँ। लगता है यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर ये रितेश तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पूरा घर चेक करो। सर सर ये देखिए, ये सारी की सारी पेंटिंग इस बिस्तर के नीचे छुपाई हुई थी। और सर ये पेंटिंग भी उसी पेंटिंग की तरह है जो एग्जीबिशन में मिली थी हमें, लाल रंग की। सारी पेंटिंग भी खून से बनाई गई। सर लगता है कि रितेश ये सारी पेंटिंग्स बना रहा है। पानी की आवाज। माय गॉड, ये तो मर चुका है। फिर से कहीं देखा लगा है। ये आदमी तो वहां एग्जीबिशन में था ना, वॉलंटियर। ये देखिए, ये इसके हाथ पे ये हल्का हल्का सा निशान। सर हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ इस रितेश ने किया है, लेकिन इसे भी किसी ने मार दिया। सर सर ये देखिए, खून के निशान। सर हो सकता है कि रितेश की हाथापाई हुई हो कातिल के साथ, और हाथापाई के दौरान उसका खून यहाँ पे लग गया हो। कातिल का भी खून हो सकता है। काम करो, इस खून का सैंपल ले लो और लाश को फॉरेंसिक लैब भिजवाने के इंतजाम करो। सर हेलो, क्या तब मैंने आप लोगों को फोन किया था, तब मैंने वो लाश देखी, बहुत भयानक लग रही है लाश। लाश कहाँ? वहाँ है साहब, वो देखो। एक आप यहीं रुकिए। काम करो, लाश को बाहर निकालो। अच्छा
सर सच में लाश तो बहुत बुरी कंडीशन है। लाश तो बिल्कुल पीली पड़ गई है सर। इसकी हालत देख के लगता है जैसे इसने काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। शरीर पूरी तरह से सिकुड़ चुका है और सर लगता है इस लाश का चेहरा जानबूझकर बिगाड़ा गया है। ये देखिए सर, इसके हाथ पे ये छोटे छोटे निशान हैं। लेकिन सर ये निशान है किस चीज के? कई बार इंजेक्शन लगने के बाद आसपास का खून जम जाता है, निशान तो इंजेक्शन के ही लगते हैं। मगर इतने सारे निशान, मगर सर ऐसे ही निशान रितेश की लाश पे भी थे। लगता है खूनी इंजेक्शन लगा लगा के खून कर रहा है। खैर इसका जवाब तो डॉक्टर सारों के ही देंगे। मानना मुश्किल है कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है। हाँ सर, दोनों लाशें बहुत ही बुरी हालत में। यार सारुंग, तुम दोनों डिस्कस करोगे, हमें भी कुछ बताओगे? बस इन दोनों के शरीर में जरा सा भी खून नहीं है। लगता है किसी ने इनके जीते जी सारा का सारा खून इन लोगों के शरीर में से निकाल लिया। शरीर में खून है ही नहीं। हाँ सर, और इसी की वजह से दोनों लाशें बिल्कुल काली नीली और फीकी पड़ गई है। अजीब बात है सर, विश्वास नहीं होता कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के शरीर से उसके जीते जी सारा खून निकाल सकता। इन दोनों के शरीर में इंजेक्शन के बहुत सारे निशान हैं। ऐसा लगता है किसी ने बार बार सुई घोंप घोंप कर इनके शरीर से सारा का सारा खून निकाला है। और खून की कमी की वजह से इस लड़के की मौत हुई है। और सर उस रितेश की मौत की वजह भी यही है। खून तो रितेश के शरीर में से भी निकाला गया लेकिन मौत इसकी पानी में डूबने की वजह से हुई। इसके फेफड़ों में हमें पानी मिला है। सर ये खूनी वही आदमी है जो पेंटिंग बनाता है। हाँ अभिजीत, ये एक ही आदमी का काम है, सीखा। एक बात और बस, रितेश के घर के दरवाजे पर जो खून का सैंपल मिला था वो खून रितेश का नहीं है। यानी वो खून किसी और का है? दया, वो खून उसी का है, उसी का जो रितेश का खून करने आया था। रितेश के साथ हाथापाई में से चोट लग गई होगी और वही खून दरवाजे पे लग गया होगा सर। मगर अभिजीत ये है कौन? है कौन ये केमोबेल? पता लगाना पड़ेगा कि ये कौन है जिसने इस केमिस्ट को धमकी भरा फोन किया और ये दवाई मंगवा ली। सर मुझे तो आदमी पागल लगता है। कोई नॉर्मल इंसान ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है सर? किसी को भूखा रखना और थोड़ा थोड़ा करके खून चूस के उसे मार डालना। सर फिलहाल हमें दो लाशें मिली लेकिन ये मुमकिन है कि उसने और भी लोगों को कैद करके रखा होगा। हाँ रखा ही होगा, वरना अपनी पेंटिंग बनाने के लिए पेंट यानी कि इंसानों का खून कहां से लाएगा वो? या, जिसने भी उस केमिस्ट को फोन किया है ना, वही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा, वही आदमी। सर, हाँ सचिन, पता चल गया उस फोन करने वाले का? हाँ सर, जिस आदमी ने R&D मेडिकल स्टोर में फोन करके उस दुकानदार से बात की थी उसका नाम रोहन है सर। रोहन, और पता? सर उसका पता भी चल गया लेकिन उसके पते पे जाकर पता चला कि उसके नाम की तरह उसका पता भी नकली है सर। नाम भी नकली और पता भी नकली, तो फिर ये फोन किया किसने होगा? है कौन ये? सर ये फोन जिसने भी किया उसने सिम कार्ड लेने के लिए नाम और पता दोनों ही नकली दिया था सर। सर उसने उस दवाई की दुकान पे फोन किया और फोन ट्रेस ना हो इसलिए सिम निकाल के फेंक दिया। कोई बात नहीं, उसने जिस वक्त उस दवाई की दुकान में फोन किया था हम पता लगा सकते हैं कि उस वक्त वो कहां पर था उसके उस फोन से। वो भी पता चल गया है सर। फिर ये फोन चोर बाजार से किया गया, घाट कोपर के चोर बाजार से। चोर बाजार? फिर इस इलाके में तो नशीली चीजें बेची जाती है, ड्रग पेडलर्स के अड्डे बने हुए वहां पे। तो दया ये फोन जरूर किसी ड्रग पेडलर ने ही किया है।
खेल है। और सुन, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि कहां से माल मिला। नहीं नहीं साहब, नहीं बोले। चल निकल। अरे भाई, आप अपने को दवा मांगता है क्या? मोबाइल मिलेगा क्या? अरे अपने पास ऐसी कोई दवाई नहीं है रे, अपन दवाई थोड़ी बेचते हैं। मना मत करना दोस्त, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देने को तैयार है। अच्छा, कितना देगा? अरे अपन तो चलती फिरती बैंक है, कितना मांगता है? ऐसा क्या? ये शाने, पहला पैसा बाद में माल, ठीक है? पैसा दिखाएगा हम, लेकिन पहले माल एक हाथ ले और एक हाथ दे। चलते फिरते बैंक है। अच्छा है, चलो मेरे साथ। एक मिनट, हाँ बोल पकिया। अरे ये सीआईडी है, बच गए क्या? हाँ। तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं माल लेके आता हूँ। हाँ, इधर ही रुकने का। भागता किधर है? सीआईडी से भागता है? हैं? मालूम है सब, सब सब बताता है, सब बताता है, सब मालूम। सर वो केमिकल दवाई मैंने खुद के नहीं बल्कि किसी और के कहने से आरएनडी मेडिकल स्टोर से मंगवाई थी साहब। उस दुकान में फोन करके धमकी तूने दी थी ना? हाँ साहब, लेकिन उसके बाद मैंने फोन स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड फेंक दिया साहब। ये काम तू किसके कहने पे करता है? साहब, मुझे एक दिन एक चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था कि केमिकल नाम की दवाई का बंदोबस्त करो। और साहब उसने बोला कि तुझसे शनिवार को रात को 8 बजे आके लेके जाऊंगा और इनाम देके जाऊंगा। अच्छा, फिर वो दवाई लेने कौन आया था? साहब वो गाड़ी में आया, कांच खुली, माल लिया, पैसा दिया और चले गया साहब। तुमने गाड़ी तो देखी होगी ना, कौन सा मॉडल था? उसका नंबर कुछ तो याद होगा तुम्हें? गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन साहब उसके हाथ में बड़ी सी घड़ी थी, इसका बहुत बड़ा डायल था साहब। कैसी थी वो घड़ी? बहुत झक्कास थी, माफ कसम, ऐसा डिजाइन में कभी लाइफ में देखा नहीं साहब। उसके ऊपर बड़े अक्षर से क्यू लिखा हुआ था साहब। क्यू लिखा हुआ? उस घड़ी का रंग, उसका डिजाइन, सब कुछ याद है तुम्हें? वो सब सब कुछ याद है सर। चलो फिर क्यू अक्षर का स्केच बनवाओ, पता चल जाएगा कि घड़ी कौन सी कंपनी की है। पूर्वी, तो घड़ी बनाने वाली कंपनी का नाम पता चला जिसका नाम क्यू से शुरू होता है? यस सर। सर बस चार कंपनियों के नाम मिले। चार कंपनी? अब जरा देखो उन चार कंपनियों में से वो कंपनी कौन सी है जिसकी घड़ी उस गुनहगार ने पहनी थी। एक बार वॉच कंपनी का नाम पता चल जाए सर, तो गुनहगार का भी पता चल जाएगा। सब तो ये डिजाइन बिल्कुल इस डिजाइन जैसा है। हाँ सर, ये क्यू का निशान तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उस ड्रग पैडलर ने कहा था। कंपनी का नाम है क्वीनी। सर ये जर्मन ब्रांड है। अगर इस कंपनी ने हाल ही में अपने देश में ये घड़ियां बेचना शुरू किया है तो फिर इनकी दुकानें, इनके आउटलेट भी कम ही होंगे, है ना? पर घड़ी भी काफी महंगी है सर। इतनी महंगी घड़ी है तो फिर सर खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, इस घड़ी की कंपनी की जितनी भी दुकानें हैं सब पे जाकर पता लगाना पड़ेगा कि किन किन लोगों ने घड़ी खरीदी थी और कब खरीदी थी। सर यह है क्यूनी वॉच कंपनी का ऑथोराइज्ड आउटलेट। ठीक है चलो अंदर चल के देखते हैं क्या पता चलता है। क्यों रे भाई, हमें आपके कंपनी की घड़ी के बारे में जानकारी चाहिए। आप कौन सी घड़ी? इस घड़ी को ध्यान से देखिए, ये आपकी कंपनी की घड़ी है ना? ये हमारी लिमिटेड एडिशन घड़ी के डिजाइन है। अब बात क्या है सर? दरअसल हम लोग सीआईडी मुंबई से और एक केस के सिलसिले में पूछताछ करना चाहते हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अब हमें ये बता सकते हैं कि ये घड़ी आपसे किसने खरीदी? मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रही 6 लोगों की लिस्ट सर। ये शख्स कैसे हो सकता है? ये भला ऐसी साजिश क्यों रचेगा?
इस साजिश के पीछे किसका हाथ है ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन साजिश के पीछे कारण क्या है ये इससे मिलने के बाद पता चल जाएगा। सर, ड्रग पैडलर से जिसने कैमोबेल नाम का ड्रग खरीदा था उसका पता चल गया। खराब क्यों करना चाहेगा? हाँ वो तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सर आप लोग कुछ पता चला ये किसकी हरकत है? भोला भाला बनने का नाटक कर रहा है। ये घड़ी पहचानते हैं आप? जी हाँ, 2 महीने पहले खरीदी थी मैंने ऐसी घड़ी। लेकिन आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें शक है कि उस खून भरी पेंटिंग में तुम्हारा हाथ है। क्या आप इस खून वाली पेंटिंग का इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं? जी हाँ, आप ही ने वो पेंटिंग बनाई और आप ही ने वो दूसरी पेंटिंग हटाकर खून वाली पेंटिंग एग्जीबिशन में रख दी। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? वो इसलिए कि तुमने सोचा बदनामी से डरकर तुम्हारा पार्टनर विमल अपना पेंटिंग का बिजनेस छोड़ देगा और वो सारा धंधा तुम्हारा हो जाएगा। आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते, ये सरासर झूठ है। तो फिर सच सच बताओ, घाटकोपर के ड्रग पेडलर राजू से तुमने कैमोबेल नाम का ड्रग क्यों मंगवाया? कैसा ड्रग, कौन सा ड्रग पेडलर? आप क्या कहना चाहते हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, ये घड़ी मैंने अपने लिए नहीं खरीदी थी, ये मैंने अपने स्टाफ को गिफ्ट दी थी। खुद को बचाने के लिए अब एक नई कहानी। प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई कहानी नहीं है, सच है। तुम्हारे स्टाफ मेंबर का नाम और पता चाहिए हमें। सचिन, सुमित ने इसी फार्म हाउस के बारे में कहा था ना? हाँ सर, सुमित ने यही फार्म हाउस बताया था। सर, शख्स के पास हथियार भी हो सकता है, वो थोड़ी देर यहीं से नजर रखता है। कोई आ रहा है वहां से पीछे। पेंटिंग यहां पे बनाता है। ये क्या, सुमित की पत्नी और बेटा? दूसरा बेटा कहां है? जरा हाथ खोलो। ये दोनों तो बेहोश है सर। हाँ, thank you.
सुमित जी तो कह रहे थे कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। लेकिन सर उन्होंने ये भी तो बताया था कि उनकी लाशें अब तक नहीं मिली हैं। मतलब एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, इस पेंटर ने इन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा है। इसका मतलब इस पेंटर ने इन दोनों के शरीर से खून निकाल कर उसी से वो पेंटिंग बनाई थी, फिर इन्हें गेहूं बेल खिला के जिंदा रखा ताकि ये मर ना जाए। हाँ बेटा, तेरा खून निकालो। देख, पेंटिंग बनाने का टाइम हो गया ना, तेरा खून नहीं निकालूंगा तो अपनी पेंटिंग में रंग कैसे भरूंगा? ला। सर आप चल। सर सर आपको सब कुछ सच सच बता दो सर। सर सब कुछ मैंने किया सर। सर सब कुछ मैंने किया सर। मैंने मारा सर। सर मैं बता दो सर आप। रेडी निकल, जल्दी से खोलो इन्हें, हॉस्पिटल लेके जाओ। ठीक है, इस बार छोड़ देते हैं हम लोग। अगर आइंदा ऐसा कुछ किया ना तो ऐसे ही छोड़ देंगे तुझे? सजा देनी है दे दो, अपने किए पे कोई अफसोस नहीं। मैं तो बहुत खुश हूं। तुम खुश हो? सुमित जी की बीवी और दो बच्चों का खून निकालकर उन्हें अधमरी हालत में रखा और बोलते हो खुश हो तुम? सुमित ने मेरे और मेरी परिवार के साथ जो जुल्म किया उसका क्या? क्या किया सुमित ने तुम्हारे परिवार के साथ? उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मार डाला उसने सबको, मुझे अनाथ कर दिया। ठीक से बताओ रघु, आखिर हुआ क्या था और कब हुआ था? बात आज से 12 साल पुरानी। तब हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरे बाबूजी ने सुमित से कुछ पैसे उधार मांगे थे मेरी बीमार माँ के इलाज के लिए। बाबूजी समय से कर्ज लौटा नहीं पाए, तब उन्होंने मोहलत मांगी। मोहलत की एवज में सुमित ने मेरे बाबूजी से गुलामों की तरह दिन रात काम करवाया, और जब इतने से भी उसका दिल नहीं भरा तो तो इसलिए तुम सुमित जी से बदला लेना चाहते थे? हाँ, इसलिए तो मैंने उनके यहाँ पे इतने साल नौकरी करी और उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया। सुमित जी तुम पे भरोसा करते रहे और तुमने उनके भरोसे का फायदा उठाकर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को अगवा कर लिया। हाँ, और उसके बाद मैंने उनको किडनैप कर लिया, उनकी गाड़ी को खाई में धकेल दिया। और तुमने उन्हें बंदी बनाकर एक खुफिया कमरे में छुपा के रख दिया। और फिर मैं उनका खून निकाल निकाल के अपनी पेंटिंग बनाता रहा, उन्हें केमोबेल ड्रग देता रहा ताकि वो बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सके और मुझे मेरी पेंटिंग बनाने के लिए खून मिल सके। और फिर वो पेंटिंग मैंने सुमित की एग्जीबिशन में रख दी
ताकि वो इस केस में फंस जाए, बदनाम हो जाए। और जंगल में जो लाश मिली थी वो तो सुमित के दूसरे बेटे की थी। बेचारा इतना कुछ झेल ही नहीं पाया, मर गया। फिर मैंने उसकी लाश का वो हाल किया कि कोई भी उसे पहचान ना पाए। और रितेश, वो तो तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों मार दिया तुमने? वो मेरी मदद करता था, अच्छा लड़का था, और मैं अपनी पेंटिंग भी उसके घर में रखता था। लेकिन एक दिन उसे पता चल गया कि मैंने ये पेंटिंग खून से बनाई। वो मुझे धमकी देने लगा कि वो अपने बॉस को जाके सब कुछ सच सच बता देगा। तो आप बताइए ना कि मतलब ऐसे तो उसका क्या फायदा हा? फिर उसके बाद मैंने उसे भी मार दिया। सर, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। इसे इलाज की जरूरत है। रघु, सुमित को तो उसके किए की सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर तुमने भी एक बहुत घिनौना जुर्म किया है और कोर्ट तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।